अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइवली कुकिंग। आज हम बनाएंगे फ्राइड मटन चॉप्स। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और झटपट बनने वाली रेसिपी है। जैसा कि ईद उल अज़हा आ रही है और इसके मुनासबत से मैंने आज ये रेसिपी बनाई है। बहुत ही कम टाइम में बनने वाली रेसिपी है जिसे आप झटपट बनाकर मेहमानों के सामने सर्व कर सकती हैं और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जूसी मटन चॉप्स हमारे तैयार होंगे। इसके लिए हम मटन चॉप्स लेंगे। यहाँ पे तकरीबन 1 kg मैं मटन चॉप्स ले रही हूँ। इसके ऊपर हम 2 tablespoons भर के सफ़ेद सिरका डालेंगे, अदरक और लहसुन का पेस्ट हम इसके ऊपर डालेंगे 1 tablespoon, काली मिर्च का पाउडर हम डालेंगे 1 teaspoon, नमक हसबे जायका मैं यहाँ पे 2 teaspoon इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, सुर्ख मिर्च का पाउडर मैं 1 teaspoon ऐड कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकती हैं। अब हम इसे अच्छे से इसके ऊपर रब करेंगे और रब कर लेने के बाद हम इसको प्रेशर कुकर में डालेंगे। प्रेशर कुकर में डालने के बाद हम इसके साथ थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन आधा गिलास या फिर 1 glass के करीब आप पानी डाल लें। डिपेंड्स ऑन योर मीट कि आपका मीट कितनी जल्दी गलेगा। अब हम इसे प्रेशर कुक करेंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में जो मेरे पास मटन चॉप्स हैं वो अच्छे से गल गए थे। ये आप देख सकती हैं कि इसका पानी भी खुश्क हो रहा है और ये अच्छे से गल गए हैं। इसका पानी अच्छे से खुश्क होना चाहिए और खुश्क कर लेने के बाद हम इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। अब हम एक बाउल लेंगे और इसमें 1 tablespoon दही ऐड करेंगे। 1 adad अंडा हम लेंगे, वो हम इसमें ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर हम इसमें डालेंगे 1 tablespoon। हल्दी पाउडर हम इसमें डालेंगे 1/2 teaspoon। भुना और कुटा हुआ ज़ीरा हम इसमें डालेंगे 1/2 teaspoon। अगर आप चाहें तो आप इसमें कुटा हुआ धनिया भी यूज़ कर सकती हैं, जो साबुत धनिया होता है तो उसे आप कूट कर 1 teaspoon आप वो भी ऐड कर सकती हैं। कसूरी मेथी हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 teaspoon। सफ़ेद सिरका हम इसमें फिर से थोड़ा सा ऐड करेंगे 2 teaspoon। सुर्ख मिर्च का पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे 1 teaspoon। और अब इस मसाले को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हम चॉप्स को इसमें कोट करेंगे। मैं एक एक कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए। और अगर आप इसको एक साथ ही इसके ऊपर डाल लें तो कोई मसला नहीं, आप सारे चॉप्स उठाकर इसी तरह बाउल में डालकर इसके ऊपर सारी कोटिंग लगा लें, लेकिन मैं एक एक कर रही हूँ ताकि मैं आपको क्लियरली दिखा सकूँ। इस तरह करके हम सारे चॉप्स के ऊपर ये कोटिंग वाला मसाला लगा लेंगे और इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन डीप फ्राई करने से ये इतनी जूसी नहीं रहते, क्रिस्पी बन जाते हैं, तो इसलिए मैं इसे शैलो फ्राई करूँगी फ्राइंग पैन में। फ्राइंग पैन में हम इसे डालेंगे इस तरह करके और शैलो फ्राई करेंगे गरम ऑयल में। अच्छी तरह से दोनों तरफ कलर आने तक हम इसे पकाएंगे ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। ये बाहर से क्रिस्पी होंगे और अंदर से जूसी होंगे। आप इसे मीडियम हीट पर पकाइए, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच इसकी ना हो। इस तरह करके हम इसकी साइड टर्न करेंगे। एक साइड से ये ब्राउन हो जाए तो हम इसकी साइड टर्न करेंगे, दूसरी साइड से हम इसे पकाएंगे और दोनों साइड से अच्छे से कलर आने के बाद हम इसे डिश आउट करेंगे। ये आप देख सकती हैं कि इसका अच्छे से कलर आ गया है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। और ये हमारे
मटन चॉप्स तैयार हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा हम चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे, लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप नहीं स्प्रिंकल करना चाहते हैं तो आप इसे अवॉइड करें। लेमन वेजेस के साथ हम इसे सर्व करेंगे। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है जो कि ईद वाले दिन आप झटपट बना सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।